Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, we Sanu and you are watching Sanu Nonstop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ जो कि इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेला और इंडिया विन भी किया, जो कि मुझे अभी तक जो मुझे लग रहा है ना कि जो फाइनल होगा ना वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अंदर होगा। और अभी आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट टीम्स है, तो इसलिए मैं उनमें से कोई भी जीते, इंडिया जीत जाए ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, मुझे इस चीज का नहीं फर्क पड़ता बिकॉज दोनों ही मेरी फेवरेट टीम है और मैं हूँ पाकिस्तान से, ठीक है। और पाकिस्तानी टीम को मैं सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से मुझे लोग जो है वो बातें भी करते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंकर्स जाते हैं, आप लोगों को पता, पूछते हैं कि आफ्टर मैच के ये हुआ वो हुआ, या मैच से पहले कहते हैं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी क्या है कि ना एंकर गई, ठीक है, उनके पास माइक लेके लोगों के पास स्ट्रीट्स में जाती हैं, रोड्स पे जाती हैं, ठीक है, वहां पर जो है वो ये पता चलता है कि लोग किस चीज को, लोग कह रहे हैं कि अगर ये टीम जो है वो मुस्लिम है दैट्स वाई हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो हिंदू हैं तो हम उनको सपोर्ट नहीं करते, जबकि वो इतना अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज पता चलती है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट को जो है वो नहीं देखा जाता, ठीक है, ये देखा जाता है कि मतलब कौन से रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हैं तभी आपको सपोर्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका रिलीजन कुछ और है तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। अभी इन लोगों की सोच जो है देखते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर, अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। और गाइज आज के इस वीडियो के अंदर जो है बहुत ज्यादा चीजें हम लोगों को पता चलने वाली हैं, आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया ने हार जाना है, जितना मर्जी प्रेशर पाले इंडिया, सुन लो अच्छा ताड़ी हार होनी है, ये अल्लाह ने करना है अच्छा। इस बंदी की दुआ इनकी जुबान विच निकली और पूरी करनी है अल्लाह ने, इंशाल्लाह वो जीतेगा अफगानिस्तान, ये पक्की बात है। अगर इंडियन टीम जीत गई फिर नहीं जीतेगी, चाहे प्रेशर भी हो, लेकिन वो हार जाएगा अच्छा। इंडिया हारेगा अच्छा। ये पक्की बात है। वैसे अभी तक वो देखिए, मैं तो चाहूँगी कि अफगानिस्तान जो है ना वो विन करे अच्छा। वजह भी बता दें, मुस्लिम ब्रदर्स अल्लाह, क्रिकेट में तो नाम मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई करे। हाँ, एंकर भी बेचारी समझा रही है, समझ ले कि हमें ना विरसे में मिली है ये चीज तो। देखिए ना हमारे भी तो क्रिकेट टीम के कोच एक नॉन मुस्लिम है ना, गैरी किर्स्टन, देखिए क्रिकेट में हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई ना करे, ये तो सिर्फ एक खेल है, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। फिर जो हमारी सिंपैथी और हमारी विशेष जो है वो फिर मुस्लिम्स के साथ ज्यादा होती है। तो लेकिन अफगान टीम के जब भी हमारा और इंडिया का मैच होता है, अफगानिस्तान की टीम की तो बेस्ट विशेष नहीं होती है हमारे साथ, वो तो नहीं कहते हैं कि वो इंडिया को सपोर्ट है तो हम पाकिस्तान के साथ है, वो तो क्लियरली हमें वहाँ पर जाकर नीचा दिखा रहे होते हैं। आपने अगर वीडियोस देखी हो, वो तो इंडिया के साथ खड़े होते हैं, वो एज अ कम्पिटिटर अगर हमें लेते हैं तो फिर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काट सकते हैं, क्योंकि जब कम्पिटिशन में होते हैं तो फिर तो कम्पिटिशन में तो बहन भाई भी कम्पिटिशन में आ जाए ना, मे बी अफगानिस्तान। वैसे हमारी सपोर्ट अफगानिस्तान की तरफ है, अगर हम चाहते हैं अगर पाकिस्तान ही ना जीता तो इंडिया भी नहीं जीतना चाहिए, अफगानिस्तान जीते, अल्लाह तो इंडिया भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ट्रोल करते हैं, तो इस वजह से अब हमारे भी तो राइट बनता है। आपको पता है अफगानिस्तान वैसे हमें ज्यादा ट्रोल करता है इंडिया से, मगर आपको पता हो, मगर कोई बात नहीं, इंडिया नहीं आगे जाना चाहिए। आपको पता है अफगानी प्लेयर तो बस में नाचते हैं पूरी रात पाकिस्तान को हरा कर, कोई बात नहीं, अफगानिस्तान तो फिर भी मुस्लिम कंट्री है, बट इंडिया इज नॉट, तो ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं, रिलीजन का क्या मतलब है क्रिकेट में, तो रिलीजन होना चाहिए। ये मुसलमान है इसी को सपोर्ट होगी, वो हिंदू है इसको सपोर्ट नहीं होगी, ये क्या बात हुई? हमारे सामने तो प्लेयर्स है ना, होना चाहिए। इस बार भी अफगानिस्तान ही जीतेगा, अफगानिस्तान जीतेगा जी, कैसे? बस अफगानिस्तान जीत जाएगा। अफगानिस्तान का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि ये मैच जीतेंगे, या कौन सा प्लेयर? मैच देखती नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है, वैसे मैं आपने मुझे क्वेश्चन अच्छा मैच नहीं देखते, फिर भी आपको पता है अफगानिस्तान जीतेगा, ऐसा आपने मिरेकल कैसे किया? तो अफगानी टीम भी अभी किसी से कम नहीं है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं, सुपर 8 में है अफगानिस्तान की टीम, लेकिन इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आगू अल्लाह ना करे, क्रिकेट है भाई, चांस है, कुछ कह नहीं सकते। आपकी दुआएं इंडिया के साथ है? नहीं, वैसे दुआएं तो अफगानिस्तान के साथ है। क्यों? वो हमारा मुल्क है, हमदर्दी है, साथ है, हमारा मुल्क कहाँ है, वो तो एक अलग से मुल्क साथ लगता है। यानी कि जो अखवानी है हमारे पाकिस्तान में इधर ही है ना, इंडिया का इधर आदमी को 100 में एक दिसेगा, अफगानिस्तान में 100 में 50 आदमी तो होंगे नजर। इंडिया नहीं जीतेगा, तेन पता ही नहीं है। अच्छा, तेन पता ही नहीं है। वो पाक जात ने करना रहम करम। अच्छा। इस बंदी की दुआ कबूल कर लेगा अल्लाह, अल्लाह पाक कर ले कबूल। नबी पाक दे सदके ते जो मैं जबान च निकले अल्फाज अपनी बारगाह च महफूज कर ले। अफगानिस्तान के लिए दुआ कर रहे हो? अफगानिस्तान वास्ते नहीं, उन्हां दे खिलाड़ियां वास्ते, क्यों नबी पाक दी उम्मत आल च हुए। अफगानिस्तान जीते तो खुशी मनाओगे? ऑफ कोर्स मैं मनाऊंगी। क्या करोगे? ऑफ कोर्स मैं खुश होंगी, बच्चों अपने बच्चों के साथ शेयर करूंगी और उन्हें जो है ना काटोगे नहीं, इतनी फजूल खर्ची नहीं मैं करना पसंद करूंगी। लेकिन मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा ज़रूर पसंद है, ज़रूर हम वो इसको सेलिब्रेट करेंगे। नहीं मतलब ये बात नहीं है कि हम चाहते हैं कि इंडिया ना जाए आगे। ना जाए क्यों? हमने गए तो वो भी ना जाए। नहीं यार देखो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करो ना, ये खेल है, कोई मैदानी जंग थोड़ी है। राइट से बात है, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, ये तो बात क्लियर है। मर्जी होगी, जो मेहनत करके वही जीतेगा ना। आपकी क्या दुआ है? आप मुझे अपना बताएं ना, आ जाए मेरे साथ आगे। मैं ये कह रही जो मेहनत करेगी। ये आंटी की बात मुझे अच्छी लगी। चोर भी चोरी करने के जाता है ना, वो यही कहते हैं अल्लाह की मदद मांगता है। अच्छा। इसलिए जो मेहनत करेगा वही जीतेगा बेटा, जो मेहनत करेगा। आपकी दुआएं अफगानिस्तान के साथ, अब इंडिया के साथ मैच है ना, मेरे कहने का मकसद ये है कि इंडिया ना हार जाए, जी या पाकिस्तान जीते या जो भी आए ना उसके मुकाबले में वो जीते, टीम दूसरी हार जाए। इंडिया हमारी तो यही दुआ है कि वो हार जाए, अल्लाह पे छोड़ दे। तो वही है ना जो मेहनत करेगा, लेकिन हमारी यही है कि अगर हमारा मुल्क हमारी टीम वापस आ गई है ना तो इंडिया ना जीते। अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बहुत इम्पॉर्टेंट मैच है, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि उनका साथ किसके साथ है, उनकी दुआएं किनके साथ है, इंडियन टीम जीते या अफगानी टीम जीते। वैसे तो सुपर 8 में दोनों ही टीम्स मौजूद हैं, इंडियन टीम भी और अफगानी टीम भी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं और किस टीम का प्रेशर दूसरी टीम पर बन सकता है। अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो इंडियन टीम का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसका प्रेशर भरपूर अफगानिस्तान पर बन सकता है, या फिर अफगानिस्तान की टीम का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसका प्रेशर इंडियन टीम पर बन सकता है। पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, क्या प्रेडिक्ट करती है, रिएक्शन लेते हैं पाकिस्तानी आवाम के। मिलते हैं वीडियो के एंड में। कोई भी नहीं जीतेगा। क्यों? किसी एक को तो जीतना है ना। किसका मैच है? इंडिया और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान जीत जाएगा, ये पक्की बात है। कैसे पता आपको? ये आप ना पूछे, अल्लाह ताला का राज है। बताएं तो सही, आपको कैसे पता? मैंने जो बात कर दी वो सच अल्लाह ने कर देनी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये आपने दुआ दी है या आपको कंफर्म पता है? ये दुआ है मेरी उसके साथ। ये दुआ है। हाँ। आपको पता है कल राशिद खान खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा है कि हम पर प्रेशर है काफी ज्यादा इंडिया का, कि वो काफी अच्छा खेलते हैं। हाँ, इंडिया अच्छा खेलती है, अफगानिस्तान जीत जाएगा। अच्छा। आप लोगों को भी नहीं पता, ये अल्लाह ने करना है काम, उसका पता है मेरे नबी पाक दी उम्मत आल चुए मुसलमान। अच्छा। ये अल्लाह ने करना है काम। अच्छा। लेकिन यहाँ तो मैं खेलों की बात कर रही हूँ ना, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। इंशाल्लाह वो जीतेगा अफगानिस्तान, ये पक्की बात है। अच्छा। और अगर इंडियन टीम जीत गई फिर? नहीं जीतेगी, चाहे प्रेशर भी हो, लेकिन वो हार जाएगा। अच्छा। इंडिया हारेगा। अच्छा। ये पक्की बात है। वैसे अभी तक वो काफी अच्छे मैच खेलते आए हैं, वो जितने मर्जी अच्छे खेल रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरी दुआ है उनके साथ। हम भी इंडियन टीम से हार गए थे। क्यों हारे थे आपको पता है? क्योंकि हम अच्छा नहीं खेले थे, अपने रवैये की वजह से हारे। रवैये की वजह से, बिहेवियर की वजह से। हाँ जी। कैसा रवैया? खलाक अच्छा नहीं रखते, जहाँ भी जाते हैं मोहब्बत से नहीं बात करते। अच्छा। जज्बाती हो जाते। उन्होंने बात नहीं करनी थी ना, उन्होंने बल्ला और गेंद उठाकर खेलना था। खेलना था ना। हाँ। ये जज्बात में आके खेला इन्होंने। हाँ। काम खराब हो गया है। आंदा वास्ते पाकिस्तान की टीम सही मैच जीतेगी अगले मैच इंशाल्लाह। अगर प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही जीतेंगे। मेहनत करेंगे, खूब करेंगे, इंशाल्लाह इनके साथ हमारी दुआएं इंशाल्लाह। तो देखिए आप दुआएं करते रहे, मैं दुआएं करती रहूं, दुआओं से जब तक अगला बंदा ही काम नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम करेंगे, दिल लगा के करेंगे। उनको पता है कि हमारी टीम बाहर निकल गई है, इस वजह तो कि हमारी नैली सी नैली समझ गए हो बेटा, अब ये नैली नहीं करेंगे क्योंकि उनको धचका लग चुका है। अफगानिस्तान का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इंडिया पर भारी पड़ सकता है? आपने बोला है अफगानिस्तान आज जीत जाएगा। वो बड़ा खिलाड़ी है, कौन? उसका नाम नहीं आ रहा मुझे। उसका नाम नहीं आ रहा आपको? नहीं। कौन है वो? कप्तान है वो? कौन है? बॉलर है? कप्तान है, कप्तान है। हाँ। राशिद खान। राशिद खान बड़ा अच्छा जी। उसका कितना प्रेशर होगा ये बताएं। बहुत ज्यादा होगा। मसलन मसलन कि बेटा उसने जैसे गेम उसने फेंकनी है, वो जीत जाएगा मैच। क्या फेंकनी है? अपनी बॉलर अपनी बॉल फेंकनी है और अफगानिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। और इंडियन टीम का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसका प्रेशर अफगानी टीम पर बन सकता है? राशिद खान। इंडियन टीम की बात करी हूँ, इंडिया का कौन सा खिलाड़ी है जिसका प्रेशर बन सकता है अफगानिस्तान? उसका नाम नहीं मैं जानता हूँ बेटा। अच्छा। उसका नाम नहीं जानता हूँ। ठीक है, यानी आज फतह अफगानिस्तान की होगी। फतह होनी है इंशाल्लाह अफगानिस्तान दी। और अगर इंडिया ने हार जाना है, जितना मर्जी प्रेशर पा ले इंडिया, सुन लो कि ताड़ी हार होनी है, ये अल्लाह ने करना है। अच्छा। इस बंदी दी दुआ इंदी ज़बान विच निकली और पूरी करनी है अल्लाह ने। सुबहान अल्लाह पाक ज़ात। लेकिन अल्लाह तो कहता है जो मेहनत करेगा उसको उसका सिला मिलेगा। मेहनत बेटा उन्होंने खूब अफगानिस्तान वाले ने मैच जो खेल रहे हैं उन्होंने खूब मेहनत की है खिलाड़ियों ने। अच्छा। खिलाड़ियों ने मेहनत तो की है तभी सुपर 8 में। लेकिन अगर आज इंडिया जीत गया फिर? नहीं जीतेगा, आपको पता भी नहीं है बेटा। अच्छा। इसको अल्लाह ताला राज दे देता अपने। अच्छा। हाँ जी, मैं कह रही हूँ अगर आज वो जीत गए फिर? नहीं जीतेंगे। अच्छा, जी अगर अफगानिस्तान जीत गया। हाँ। इस मान दावत 2000 रुपया दे रही जो झूठ होवे था। अगर इंडिया जीत गया फिर? और तेन वापस कर देगी 2000 और की तेन चाहिए। ठीक है वो चले डील डन। और अगर इंडिया जीत गया फिर? इंडिया नहीं जीतेगा, तेन पता ही नहीं है। अच्छा। तेन पता ही नहीं है, वो पाक जात ने करना रहम करम। अच्छा। इस बंदी की दुआ कबूल कर लेगा अल्लाह, अल्लाह पाक कर ले कबूल। नबी पाक दे सदके ते जो मैं जबान च निकले अल्फाज अपनी बारगाह च महफूज कर ले। अफगानिस्तान के लिए दुआ कर रहे हो? अफगानिस्तान वास्ते नहीं, उन्हां दे खिलाड़ियों वास्ते। क्यों? नबी पाक दी उम्मत आल चुए ने। अच्छा। रहमत करम कर दे अल्लाह। मुसलमानों के लिए क्यों दुआ मांग रहे हैं? सबके लिए मांगे ना दुआ, वहाँ पर खिलाड़ी तो बहुत से मौजूद हैं। सब भी मुसलमान है ना बेटा, ये खास है ना जो खेल रहे ना अपनी जान ला के बाजी, जान दी बाजी ला के। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। बाजी तो इंडिया ही मारेगा। क्यों? वजह नजर आ रहा है, वैसे भी इखवानी सा इंडिया का यानी कि हमदर्दी है, ते टीम भी अच्छी इंडिया की है। अच्छा। अगों टीम तो अच्छी है, हो भी सकता है नो डाउट। मतलब समझी नहीं। चांस तो इंडिया के ही है ज्यादा। अच्छा, चांस इंडिया के है, इंडिया के चांस ज्यादा है। अच्छा। क्यों आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया। क्यों? वो अच्छी टीम है। अच्छी टीम है, क्या अच्छा है उनकी टीम में? वो उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बैट्समैन भी ठीक करते हैं। कौन सा उनका ऐसा खिलाड़ी है जिसका अफगानिस्तान पर प्रेशर बढ़ सकता है? विराट कोहली। हर किसी की जुबान पर विराट कोहली क्यों है? वो अच्छा खिलाड़ी। बुमराह भी अच्छा है बहुत। क्या रन रेट है उसका? क्या पसंद है आपको विराट कोहली में जो उनका प्रेशर बन सकता है अफगानिस्तान की टीम पर? वो सही खेलता है इसलिए। अच्छा। सही खेलता है वो। आपको क्या लगता है सर? इंडिया वैसे भी कोई भी ऐसा खतर जो टफ वाला मैच वो नहीं हारती। नहीं हारती? नहीं हारती। अच्छा। क्योंकि इंडिया को मैच बहुत जरूरी है, जरूरी ना भी हो तो वो हारती नहीं है। वर्ल्ड कप का कोई भी ऐसा मैच हुआ नामुमकिन है उनके लिए हारना। अच्छा। जी मेहनत है, लगन है अपने मुल्क के लिए, क्या बात है। नहीं लगन तो है पाकिस्तान के लिए। नहीं मैं इंडियन टीम की बात करी, वैसे तो अफगानी टीम भी अभी किसी से कम नहीं है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। सुपर 8 में है अफगानिस्तान की टीम, लेकिन इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा है। आगू अल्लाह ना करे, सबको पता है कि इंडिया चांस है, कुछ कह नहीं सकते। आपकी दुआएं इंडिया के साथ है? नहीं, वैसे दुआएं तो अफगानिस्तान के साथ है। क्यों? वो हमारा मुल्क है, हमदर्दी है, साथ है। हमारा मुल्क कहाँ है? वो तो एक अलग से मुल्क है। साथ लगता है, यानी कि जो अफगानी है हमारे पाकिस्तान में इधर ही है ना। इंडिया का इधर आदमी को 100 में एक दिसेगा, अफगानिस्तान में 100 में 50 आदमी तो होंगे नजर आएंगे। फिर भी हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी खेलते हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी खेलते हैं, तो दोनों ही टीम्स हैं हमारे लिए जी। लेकिन अफगानिस्तान हमारा हमदर्दी है क्योंकि इंडिया दुश्मन है। लेकिन क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में कोई दुश्मन नहीं है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, खेल है। नहीं, वही बात मैं कर रहा हूँ ना। लेकिन इंडिया टीम अच्छी है। आपको किसी अफगानी प्लेयर का पता है? नहीं। आपको पता है? लेकिन इंडियन प्लेयर्स का इनको पता है। प्लेयर है तो टीम है ना। हमको तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? और उनको टीम के नाम भी नहीं पता अफगानिस्तान के। क्यों नहीं लगता? बताओ। वो सही खेलते नहीं तो टॉप 8 में वो कैसे आगे? बेटा छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ना वो चीज फीड हो गई है, इंडिया हमारा एनिमी है। कंफ्यूज हो रहा है। मेहमान उनका खिलाड़ी है, वो भी अच्छा है। राशिद खान, उनका मुझे नहीं पता, बस इंडिया और पाकिस्तान का अच्छे तरीके से पता है। बस इंडिया और पाकिस्तान का ही पता है। चलो जी, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, मैं तो चाहूँगी कि अफगानिस्तान जो है ना वो विन करे। वजह भी बता दें। मुस्लिम ब्रदर्स। अल्लाह, क्रिकेट में तो नाम मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई करे। अब क्या करें, ये समझ लें कि हमें ना विरसे में मिली है ये चीज़। तो देखिए ना, हमारे भी तो क्रिकेट टीम के कोच एक नॉन मुस्लिम है ना, गैरी किर्स्टन। देखिए, क्रिकेट में हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई ना करे, ये तो सिर्फ एक खेल है, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। ऐसा ही है, लेकिन ठीक है, आपने मेरा ओपिनियन लिया। तो मैं तो अफगानिस्तान के साथ ही कहूँगी कि वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे नेबर्स भी हैं, तो इसलिए मैं अफगानिस्तान के लिए बेस्ट विशेस फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है, जब आप कह रहे हो कि अफगानिस्तान जीतेगा? नो आइडिया अबाउट दिस। नहीं पता आपको खिलाड़ियों का? नहीं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरा उसमें, क्रिकेट में। अच्छा। तो इसलिए इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती। आपको पता है कल अफगान टीम के कप्तान ने क्या बोला है? राशिद खान ने कहा है कि जब विराट कोहली सामने होते हैं तो जीतना मुश्किल हो जाता है। जारी बात है कि वो एक बड़ा फेमस और एक हार्ड वर्किंग जो है ना वो खिलाड़ी है, तो इसलिए जो है ना वो टफ टाइम देता है वो दूसरों को, इसलिए कह सकते हैं। आप मानते हैं विराट कोहली अच्छे प्लेयर है? ऑफ कोर्स है, तो देखें उसकी हार्ड वर्किंग पे और उसके गेम खेलने पे तो हम उस पे तो कोई शक नहीं, वो बहुत तो अच्छा। बाकी कम्युनिटी बेस पे जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है। कम्युनिटी बेस पे उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना रिलीजन है, हम कैसे किसी को गलत कह दें? नहीं, गलत नहीं कह रहे, तो लेकिन ये है कि क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से यही होता है कि हमारी जो है बिल्कुल स्पोर्ट्समैनशिप तो है ही इसी में, और होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन बात वो ये है कि रिलीजियस बेस पे फिर जो हमारी सिंपैथी और हमारी विशेष जो है वो फिर मुस्लिम्स के साथ ज़्यादा होती है। तो लेकिन अफगान टीम के जब भी हमारा और इंडिया का मैच होता है, अफगानिस्तान की टीम की तो बेस्ट विशेष नहीं होती है हमारे साथ। वो तो नहीं कहते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है तो हम पाकिस्तान के साथ है, वो तो क्लियरली हमें वहाँ पर जाकर नीचा दिखा रहे होते हैं। आपने अगर वीडियोज़ देखी हो, वो तो इंडिया के साथ खड़े होते हैं। वो एज अ कम्पिटिटर अगर हमें लेते हैं तो फिर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काट सकते हैं, क्योंकि जब कंपटीशन में होते हैं तो फिर तो कंपटीशन में तो बहन भाई भी कंपटीशन में आ जाए ना, कोई बेस्ट फ्रेंड भी आ जाए, तो फिर कंपटीशन में जो है ना वो नहीं, ये चीज़ मैटर करती है। नहीं, तब उनका अपना थोड़ी हो रहा था। जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो तो वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, हमें नहीं करते अफगानी। ये फिर उनकी मैंटेलिटी है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, यानी आप समझते हो कि आज अफगानिस्तान बाजी मार जाएगा? इंशाल्लाह, बेस्ट विशेस फॉर देम। वैसे तो दोनों ही सुपर 8 में हैं, इंडिया टीम भी सुपर 8 में है, अफगानी टीम भी सुपर 8 में है, लेकिन आप कह रहे हो अफगानिस्तान जीत। ठीक है, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, लेकिन अगर आज इंडिया जीत गया फिर तो क्या कह सकते हैं। फिर ये एक बार दिल पहले टूटा था जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, फिर इस तरह से दिल ही टूट जाएगा मेरा। तो आज भी दिल टूटेगा। ऑफ कोर्स, मेरी सिंपैथी तो हमेशा जो है ना इंडिया के अलावा बाकी सबके साथ है। अरे यार, ये तो खेल है ना। अच्छा ठीक है, पॉलिटिक्स को आप एक साइड पे रहने दो। पॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ, जो भी नफरतें हैं, लेकिन अभी तो खेलों की बात हो रही है। अब आप देखें ना, वसीम अकरम, हरभजन सिंह, इससे दूर जी सारे आपस में बैठते हैं, आपस में एक साथ खाते पीते हैं, आपस में हंसी मजाक करते हैं, वहाँ पर तो हमें कोई नफरतें देखने को नहीं मिलती। ये खेल है ना, इसको खेल की हद तक रहने दें। मिस, ये थोड़ा सा ना मेरा पर्सनल इशू भी है क्योंकि मैंने एक बार पहले भी कहना, मेरे जो फादर थे ना वो बिलोंग करते जम्मू कश्मीर से, तो हमें वी आर नॉट अलाउड टू मीट दैम। हमारे वहाँ पे रिलेटिव है और हमें अलाउ नहीं है कि हम उन्हें जाके मिल लें, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये मेरा पर्सनल इशू है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है इस वजह से भी, क्योंकि पासपोर्ट के थ्रू भी हमें एंट्री वहाँ पे नहीं है, यंग एज में नहीं देते, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, उसमें भी वो अलाउ नहीं करते हमें। वही के थ्रू जा सकते हो आप? नहीं, ये जो भी पाकिस्तानी जाता है ना वहाँ पे अपने रिलेटिव्स को जम्मू में मिलने के लिए, उसके लिए वो जो पासपोर्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है। जम्मू वगैरह में इजाज़त नहीं है, कश्मीर में वो हमारे पासपोर्ट अलॉट ऑफ टाइम वी अप्लाई फॉर देयर, लेकिन वो ना रिजेक्ट कर देते हैं। तो बात होती है वैसे आपकी उनसे? बात बहुत कम होती है। पीछे भी काफ़ी अर्सा पहले इन्होंने ना ये बंद कर दिया था सिलसिला, व्हाट्सएप बंद थे, कॉल्स और व्हाट्सएप ट्रैप होना शुरू हो गए थे। फिर ये था कि जो कॉन्टेक्ट करता था वहाँ पे रहने वाले हमारे रिलेटिव्स को थ्रेट किया जाता था और उनको, बल्कि उनके लड़कों को, यंग लड़कों को उठा के ले जाते थे कि आप पाकिस्तान में उन लोगों के साथ इन टच नहीं रह सकते। तो मेरा तो ये इशू है, इसलिए मेरा दिल दुखता है कि हमारे रिलेटिव्स उधर हैं, ठीक है, मेरे फर्स्ट कजन्स वहाँ पे हैं। कश्मीर की वजह से आपका दिल दुखता है, इसलिए आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। क्योंकि मिस मेरा ये पॉइंट है कि हमको टेररिस्ट तो नहीं है ना, हमें अलाउ करें हम अपने वहाँ पे रहने वाले रिलेटिव्स को मिले। हमने कश्मीर को प्लेट में उठा के वहाँ से इधर तो नहीं ले आना ना। तो मेरी आपके कंट्री के अपने कोई पॉलिसीज होती है, अपने रूल्स होते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, मैच पर ही आते हैं। अफगानिस्तान जीत जाता, खुशी मनाओगे? ऑफ कोर्स मैं मनाऊंगी। क्या करोगे? ऑफ कोर्स मैं खुश होंगी, अपने बच्चों के साथ शेयर करूंगी और उन्हें जो है ना काटोगे नहीं, इतनी फजूल खर्ची नहीं मैं करना पसंद करूंगी। तो पिज़्ज़ा महंगा है, केक सस्ता है, बहन सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच। मे बी अफगानिस्तान। वैसे हमारी सपोर्ट अफगानिस्तान की तरफ है। अगर हम चाहते हैं अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो इंडिया भी नहीं जीतना चाहिए, अफगानिस्तान जीते। इंडिया भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ट्रोल करते हैं, तो इस वजह से अब हमारे भी तो राइट बनता है। आपको पता है अफगानिस्तान वैसे हमें ज्यादा ट्रोल करता है इंडिया से, मगर आपको पता हो, मगर कोई बात नहीं, इंडिया नहीं आगे जाना चाहिए। आपको पता है अफगानी प्लेयर तो बस में नाचते हैं पूरी रात पाकिस्तान को हराकर। कोई बात नहीं, अफगानिस्तान तो फिर भी मुस्लिम कंट्री है, बट इंडिया इज नॉट। तो ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं। रिलीजन का क्या मतलब है खेल के अंदर कि अगर वो ये मुसलमान है इसी को सपोर्ट होगी, वो हिंदू है इसको सपोर्ट नहीं होगी? ये क्या बात हुई? हमारे सामने तो प्लेयर्स है ना, होना चाहिए जी। लेकिन अफगानिस्तान तो हमें सपोर्ट नहीं करता। जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, अफगानिस्तान क्लियरली इंडिया के साथ खड़े होते हैं, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। अभी तो आपने कहा अफगानिस्तान जीते, तो अफगानिस्तान जीतेगा अफगानिस्तान इंशाल्लाह। अफगानिस्तान टीम काफी स्ट्रॉन्ग है, सुपर 8 में है ना, इसीलिए जी। कौन सा प्लेयर है जिसका प्रेशर बनेगा इंडिया के ऊपर अफगानिस्तान का, अगर आप कह रहे हो कि अफगानिस्तान जीतेगा? राशिद खान का जी। कैसा खेलेगा या कैसा प्रेशर बनाएगा? राशिद खान की अपनी स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं विराट कोहली के सामने जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो विराट तो बाजू, अभी इसके 2 मैचेस हुए हैं, तब तो ये डग पे ही आउट हुआ है, तो आगे नहीं टिक सकेगा नहीं। अगर उन्होंने अब मेहनत की होगी फिर तो, बाकी तो यही है जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। जी। आपको क्या लगता है बेटा? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगता। कौन जीतेगा, इंडिया या अफगानिस्तान? तो बेटा मैच देखती हो? अफगानिस्तान जीतेगा। क्यों? किसी और से पूछ लें। अच्छा आप मुझे बताओ, अब आपने बोला अफगानिस्तान जीतेगा, लेकिन अगर हम इंडियन टीम की बात करते हैं तो उनका कौन सा खिलाड़ी है जो टफ टाइम दे सकता है अफगानिस्तान को? टफ टाइम हार्दिक पांड्या। कैसे? पता नहीं, वो अच्छा प्लेयर है। आई थिंक सो रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर है। कितने मैच देखे हैं अभी तक? कौन से? मैं ज़्यादा पाकिस्तान के ही देखती हूँ। जी। विराट कोहली का प्रेशर बन सकता है अफगानिस्तान के ऊपर? अगर विराट टिके तो विराट कोहली भी आ सकते हैं, रोहित शर्मा भी आ सकते हैं। अपनी आई पे कोई भी आ जाए ना तो छोड़ेगा नहीं। कप्तान है ना, कप्तान है रोहित जी, वो अच्छा खेलते हैं जी। लेकिन अगर आज इंडिया जीत गया फिर? कोई बात नहीं, लक भी है इसमें मेरे ख्याल में। जान क्रिकेट में लक नहीं, क्रिकेट में प्रैक्टिस होती है, लक भी चलती है। पाकिस्तान भी हार गया। देखो ना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रेटजीज जितनी अच्छी आपकी, ठीक है लक भी मैटर करती है, लेकिन प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। प्रैक्टिस भी मैटर करता है, अगर हम कहें तो 60% प्रैक्टिस बाकी 40% लक ही है। तो वो अपनी लक से जीतेंगे या हार्ड वर्क से? ऑब्वियसली हार्ड वर्क से, बट थोड़ी बहुत लक भी तो मैटर करता है। बाजवा कोई कैच आता है तो वो कैच ड्रॉप हो जाता है, वो लक ही तो होती है। ठीक है, अगर इंडिया जीत गया खुशी नहीं होगी, अफगानिस्तान जीत गया खुशी होगी आपको? नहीं, मतलब ये बात नहीं है कि हम चाहते हैं कि इंडिया ना जाए आगे। ना जाए क्यों? हमने कहे तो वो भी ना जाए। नहीं यार देखो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करो ना, ये खेल है, कोई मैदानी जंग थोड़ी है। जाहिर सी बात है एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, ये तो बात क्लियर है। जाहिर सी बात है, अब हम नहीं तो हम कहीं सामने वाला भी नहीं, ये बात गलत है। जो अच्छा खेले वो आगे जाए। अब उनकी टीम सुपर 8 में है, ये मानने वाली बात है। हाँ है, तो बस इस चीज का भी बुरा लग रहा है क्या? जाहिर सी बात है। हाय मैं मर गई, हाय अल्लाह क्यों मेरी जान, अभी तो तुम छोटी सी हो और ये स्पोर्ट्स है, ये खेल है। छोटे-छोटे बच्चे पाकिस्तान में ना इंडिया को दुश्मन समझते हैं, तो जंग में भी इंशाल्लाह जीतेंगे। जंग बेटा कोई भी नहीं जीते। अफगानिस्तान के खिलाफ कोई नफरत होनी चाहिए ना, इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ कोई नफरत होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। हम तो है नहीं, अफगानिस्तान जीते इंडिया जीते, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। इस बार भी अफगानिस्तान ही जीतेगा। अफगानिस्तान जीतेगा जी, कैसे? बस अफगानिस्तान जीत जाएगा। अफगानिस्तान का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि ये मैच जीतेंगे, या कौन सा प्लेयर? मैच देखती नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है। वैसे मैं आपने मुझे क्वेश्चन पूछा। अच्छा, मैच नहीं देखते फिर भी आपको पता है अफगानिस्तान जीतेगा, ऐसा आपने मिरेकल कैसे किया? पाकिस्तान हमेशा हारता है एंड पे। पाकिस्तान का नहीं है ना, इंडिया और अफगानिस्तान का। इंडिया और अफगानिस्तान का, इंडिया जीत जाएगा। इंडिया जीत जाएगा? हाँ। अब इंडिया क्यों जीतेगा उसकी भी वजह बताएं। क्योंकि इंडिया एंड पे हारते हारते जीत जाता है हमेशा। हारते हारते जीत जाते हैं जी, मतलब मेहनत नहीं है उनके प्लेयर्स की, आप ये कह रहे हो? जी, मेहनत नहीं करते वो। मेहनत करते हैं तो जीतते हैं ना। हाँ। बस इतना ही काफी। खुशी सुने ना, आपको खुशी कब होगी? इंडिया जीतेगा तब होगी या अफगानिस्तान जीतेगा तब होगी? अफगानिस्तान जीतेगा तब होगी। क्यों? बस 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 क्यों? बस अफगानिस्तान जीतेगा तो खुशी होगी। मेरी जान मुझे बताए तो सही, क्यों खुशी होगी? मुसलमान है कौन है, मतलब इस वजह से ये बीच में फैक्टर आ जाता है क्या? नहीं, इंडिया के तो पाकिस्तान देखे ना कि इंडिया जब जीतता है तो सारी कौम अफसरदा हो जाती है, और जब इंडिया हारता है। आपको पता है पाकिस्तान के हारने की सबसे ज्यादा खुशी कौन मनाते हैं? अफगानिस्तान की टीम पूरी रात भंगड़े डालती है वो अपने बस के अंदर। आपको पता है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है तो अफगानिस्तान की टीम हमारे साथ नहीं होती है, उनका क्लियरली स्टैंड होता है इंडिया के साथ। वो आंटी को इतना मुझे मैच के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे कुछ और पूछ ले। आप बताएं कि कौन जीतना चाहिए आपका? अच्छा, आपको कोई प्लेयर का पता है, इंडियन या अफगानी प्लेयर? नहीं, मुझे नहीं पता। इंडियन प्लेयर का भी नहीं पता? नहीं हूँ मैं। मैच विराट कोहली का पता है? हाँ पता है। ना पता हुआ प्लेयर है इंडिया का? कौन? विराट कोहली। हाँ, वो प्रेशर बना सकता है अफगानी टीम पर? शायद। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। इंशाल्लाह अफगानिस्तान ही जीतेगा। ओए इंशाल्लाह भी बोल दिया है, क्यों? क्योंकि इंडिया हमारी मुखालिफ टीम है इस वजह से। अच्छा, तो अफगानिस्तान भी हमारी मुखालिफ टीम है तो सही, लेकिन इंडिया ना जीते किसी से। क्यों? दूसरा मुल्क जीते ना, वो इंडिया में नहीं अच्छा लगता कि इंडिया जीते। अच्छा। दूसरा जोन सी भी टीम हो वो जीत जाए। लेकिन यहाँ तो मैं क्रिकेट मैच की बात कर रही हूँ, पॉलिटिक्स की बात थोड़ी कर रही हूँ। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान का मैच होता है, हमने यही कहना था पाकिस्तान जीते, लेकिन हमारी कौमी टीम वापस आ गई है, तो इंडिया मैच हो रहा है तो इंडिया ना जीते अफगानिस्तान जीत जाए। लेकिन अफगानिस्तान भी हमारी ऑपोजिट टीम ही है, हम उनके अगेंस्ट भी खेलते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इंडिया के साथ मैच है ना, मेरे कहने का मकसद ये है कि इंडिया ना हार जाए जी, या पाकिस्तान जीते या जो भी आए ना उसके मुकाबले में वो जीते, टीम दूसरी हार जाए। अच्छा, इंडिया हमेशा हर किसी से हारता रहे, जो सामने वाली टीम है वो जीतती रहे, आप कह रहे हो? बस यही बात है कि वो हमारी दुश्मन ममालिक है, इस वजह से वो हमारे मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। योम-ए-यकजहती कश्मीर होती है ना, वो इस वजह से होती है। क्रिकेट के अंदर भी आप कश्मीर को फतह कर लें पहले, क्रिकेट के अंदर कश्मीर क्यों लेके आ रहे हैं? हमारे मुसलमानों पर जुल्म करते हैं इस पर। भाई हमारे सामने प्लेयर्स हैं, ठीक है। देखिए जैसे वैसे तो अगर मैं अफगानिस्तान की बात करती हूँ, तालिबान का भी कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है वहाँ की औरतों के साथ या वहाँ के लोगों के साथ, उनके बारे में भी फिर ऐसे तो बोला जा सकता है। लेकिन बात यहाँ ये है, हमारे सामने अफगानी प्लेयर्स भी हैं, हमारे सामने इंडियन प्लेयर्स भी हैं, सबने खेल खेलने आना है वहाँ पर। मसला कश्मीर को हल करने नहीं आना है या गोलियाँ बारूद लेकर नहीं आना है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बस मैंने तो मैच की बात की है ना, कि अगर वो जीते तो इंडिया हमारे दुश्मन ममालिक में से आ जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान भी एक साइड पे टॉपिक है, लेकिन योम ये कश्मीर जो मनाया जाता है, मैं उसकी बात ये कर रहा हूँ कि वो हमारे मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। अच्छा, अच्छा। पाकिस्तान जीता ना, अगले दिन ही खबरों पे आ जाता है कि उन पर जुल्म हुआ है। रब्बा, ये कब हुआ हो जाता है? अच्छा मुझे आप ये बताएं, वैसे आप देखिए अभी भी पॉलिटिक्स पे जा रहे हैं, अभी मैच पर ही मैं रहना चाहूँगी वरना ये टॉपिक बहुत अलग हो जाएगा। अभी सुपर 8 में इंडिया भी है और अफगानिस्तान की टीम भी है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त किस टीम का प्रेशर ज़्यादा है दूसरी टीम पर? इंडिया को होगा ज़्यादा प्रेशर। हाँ, कल राशिद खान अफगानी प्लेयर है ना अफगानिस्तान टीम के, उन्होंने कहा है कि विराट कोहली से जीतना बड़ा मुश्किल है। जी जी नहीं, इंशाल्लाह जीतेगा अफगानिस्तान। इंडिया हारेगा। अगर बाय चांस इंडिया जीत जाए फिर तो कोई बात नहीं, फिर क्या कह सकते, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया। अगली बात तो वही है ना, जो मेहनत करेगा। लेकिन हमारी यही है कि अगर हमारा मुल्क, हमारी टीम वापस आ गई है ना, तो इंडिया ना जीते। अल्लाह अब बात नहीं समझ रही, मैं ये कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा, सिर्फ हमने जो बचपन से देखते आ रहे हैं ना, वो हमारे मुसलमान, उसको अभी मुसलमानों को आप अभी साइड पे रखे, हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान अभी इंडिया की टीम के अंदर भी बड़े मुसलमान हैं, मुसलमान हैं कि नहीं है? मुसलमान प्लेयर्स मोहम्मद शमी, कौन कौन है वहाँ पर मुसलमान बताएं। मोहम्मद शमी है और भी हैं, लेकिन ज्यादा मैचेस मैं नहीं देखता, नहीं देखता। तो क्रिकेट टीम में भी मुसलमान है ना। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखते हम बस, जब वो हमारी कौमी टीम वापस आ गई है, हमें किसी के साथ नहीं है कोई तलक। लेकिन अगर आपने कहा ना इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है, तो इंडिया हार जाए तो वो हमें खुशी है, अफगानिस्तान कोई और का प्ले जाए, इंडिया हार जाए बस। और अगर इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर्स मेहनत करते हैं फिर जीत जाते हैं, तो फिर उनकी मेहनत पे ही है ना, हमारी तो यही दुआ है कि वो हार जाए। ऐसी दुआ ना करे, मेहनत तो हर कोई करता है और वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, इतनी बुरी बात है, कितना नेगेटिव मैसेज आप दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप इंडिया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करें ना, ये खेल है, हम लोग ना तो यहाँ कश्मीर फतह करवा रहे हैं, ना हम कोई जंग लड़ रहे हैं, ये तो सिर्फ खेल का मैदान है बस, तो खेल ही खेल तक ही महदूद रहने दे। चले अल्लाह खैर के, जो जैसे अल्लाह की मर्जी होगी, जो मेहनत करके वही जीतेगा ना। आपकी क्या दुआ है, आप मुझे अपना बताए ना, आ जाए मेरे साथ आगे। ये कह रही, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। चोर भी चोरी करने के जाता है ना, वो यही कहते अल्लाह, अल्लाह की मदद मांगता है, इसलिए जो मेहनत करके वही जीतेगा। बेटा आपको क्या लगता है, ये आपकी दुआएं अफगानिस्तान के साथ है या भारत की टीम के साथ? मैंने कहा मैं अल्लाह पे छोड़ती एक बात, दूसरी बात ये है कि जो मेहनत करेगा, अल्लाह पाक जो मेहनत करेगा, घरों निकलता है मेहनत करते वही कहता है ना भाई अल्लाह खैर करेगा, जो अच्छी मेहनत करेगा वो आगे पहुँच जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक। ओके गाइज, तो हम लोगों ने ये वीडियो देखी और हम लोगों को पता चला कि जो पाकिस्तानी अवाम है उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप बिल्कुल 0% भी नहीं है, और क्या है कि वो सिर्फ एक रिलीजन की बेस पर जो है वो उस बंदे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इंडियन टीम के अंदर भी जो है वो काफी मुस्लिम खिलाड़ी हैं, और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। और अब ये थोड़ी है कि एक बंदे ने जो है वो सारी रात बैठ के पढ़ाई की है और सारा साल भी पढ़ता रहा है, तो ऑफकोर्स वो ही फर्स्ट आएगा ना, वो नहीं आएगा जिसने कभी बुक भी खोल के नहीं देखी। तो जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। और काफी नेगेटिविटी जो है वो माइंड के अंदर बच्चे छोटे छोटे जो है वो भी बोल रहे थे, और बाकी लोग भी, कि इंडिया मतलब वो इंडिया को ऐसे देखते हैं जैसे दुश्मन। ओ माय गॉड, जैसे ही कोई इंडियन सामने आएगा ना बस उड़ा देंगे उसको। लेकिन जो है ना वीडियो देखकर जो है वो मुझे इस चीज का फील हुआ कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया वालों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, आई डोंट नो व्हाई। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा। चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।